नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना देश चैनल इंडिया समाचार। क्षत्रिय समाज में महाराणा प्रताप की मूर्ति स्थापित न होने के कारण जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद अयोध्या के जिला अध्यक्ष राजेश सिंह ने महाराणा प्रताप की मूर्ति का स्थापित न होने के संबंध में अयोध्या जिलाधिकारी नीतीश कुमार को सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन के माध्यम से श्री सिंह ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि पिछले 6 महीने से महाराणा प्रताप की मूर्ति शहर में आकर एक गेस्ट हाउस में ढकी हुई रखी है, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन की अनुमति न मिलने पर महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण नहीं हो पा रहा है। जबकि विकास प्राधिकरण ने नक्शे जमा कराए 2 महीना हो गया है। विकास प्राधिकरण ने पार्क भी निश्चित कर दिया है, लेकिन शासन की अनुमति न मिलने पर मूर्ति का लोकार्पण नहीं हो पा रहा है। वहीं जिलाधिकारी ने क्षत्रिय समाज को आश्वासन दिलाया कि पार्क निश्चित किया गया है, जल्द ही उसी पार्क में मूर्ति स्थापित की जाएगी। धन्यवाद। यह जिलाधिकारी का मिलने का क्या उद्देश्य है आपका? आज हम लोग महाराणा प्रताप ट्रस्ट मेमोरियल अध्यक्ष भाई अमरीश सिंह, अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद की तरफ से जिलाधिकारी जी को महाराणा प्रताप मूर्ति के अनावरण में देरी के लिए ज्ञापन दिया गया। उनसे बताया गया कि नगर आयुक्त महोदय के उस पर हम लोग नक्शा और प्रार्थना पत्र 2 महीना पहले दे दिए हैं और विगत 15 जून से मूर्ति यहां रखी है महाराणा प्रताप की। शासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है इस पे। आज यहां पे क्या आश्वासन मिला? जिलाधिकारी महोदय ने हम लोगों से एप्लीकेशन लिया और बताया कि हम इस प्रकरण में बात करेंगे और जो पार्क उन्होंने निश्चित करके हम लोगों को दिखाया था वो पार्क। आज कहाँ कहाँ के लोग आपके साथ आए यहाँ? हमारे साथ भाई सुनील सिंह पूरे साथियों के दीदों के, हमारे महामंत्री सूर्यभान सिंह, हमारे महाराणा प्रताप ट्रस्ट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमरीश सिंह, भाई देवेंद्र सिंह, अनिल सिंह जनौरा, तमाम। क्या क्या नाम सिंह? क्या नाम है आपका? राजेश कुमार सिंह, अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद जिला।